नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 14 मार्च मंगलवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस। महिला के गले से मंगलसूत्र झपटने वाले स्नैचर गिरफ्तार। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने बाबा महाकाल के दर पर मत्था टेका। घरवाले गए थे बाजार, किशोरी को अकेला देख गांव के युवक ने किया दुष्कर्म। फूल पाती चल समारोह में छाया भक्ति का उल्लास। आइए अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। पति के साथ घर जा रही महिला के गले से सरी रहा मंगलसूत्र झपटने वाले दो स्नैचरों को माधवनगर पुलिस ने सोमवार देर रात गिरफ्त में ले लिया। पुलिस गाड़ी नंबर के आधार पर बदमाशों तक पहुंची थी। दरअसल 9 मार्च को ममता पति प्रकाश पारोलकर निवासी अमरनाथ एवेन्यू अपने पति के साथ स्कूटर से फ्रीगन से घर जा रही थी। सांवे रोड पर टेढ़ी खजूर के समीप पहुंचते ही दो बदमाशों ने उनके गले से मंगलसूत्र झपट लिया था। अचानक हुई इस वारदात से ममता स्कूटर से गिरकर घायल हो गई थी। माधवनगर पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर CCTV फुटेज खंगाले, जिसमें दिखाई दिए गाड़ी नंबर की मदद से पुलिस ने दोनों आरोपियों हर्ष पिता जयप्रकाश बैरागी उम्र 23 साल और कुलदीप पिता शंभु दयाल उम्र 20 साल निवासी गुमान देव मंदिर मार्ग पिपली नाका को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से मंगलसूत्र भी बरामद किया गया है। जांच में पता चला कि आरोपियों ने मोबाइल लूट की वारदात को भी अंजाम दिया है। 9 तारीख को सांवेर रोड महाराष्ट्र बैंक के उसके सामने एक घटना हुई थी, जिसमें दो आरोपियों ने एक महिला के मंगलसूत्र छीनने का प्रयास किया था, और जिसमें महिला गिर भी गई थी, घायल हो गई थी। उसमें 392 का अपराध पंजीबद्ध किया है, और कल मुखबिर सूचना पर आरोपी गण को गिरफ्तार किया गया, और जो मंगलसूत्र छीना था उसको भी रिकवर किया। इनके रिकॉर्ड दिखवाए जा रहे हैं, और ये पिपली नाका के रहने वाले हैं दोनों आरोपी, और इनसे और पूछताछ में इन्होंने एक दो मोबाइल भी छीनने की घटनाएं कबूल करी हैं, तो उसके संबंध में और पूछताछ की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मंगलवार को बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने देश में खुशहाली की कामना की। दरअसल BJP के राष्ट्रीय महासचिव दोपहर में श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। उन्होंने नंदी हॉल से बाबा महाकाल के दर्शन किए। मीडिया से चर्चा में विजयवर्गीय ने कहा कि वह भगवान महाकाल के अनन्य भक्त हैं और अक्सर दर्शन के लिए आते रहते हैं। उन्होंने देश में सुख शांति और समृद्धि की कामना की है। इसी दौरान रतलाम कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने भी परिवार के साथ बाबा महाकाल के दर्शन किए। नरेंद्र सूर्यवंशी उज्जैन में ADM भी रह चुके हैं। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी और स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहते हैं तो चले आइए होटल राजसागर रिजॉर्ट, जहां आप पाएंगे रूफटॉप रेस्टोरेंट, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल और बैंकेट हॉल के साथ लग्जरी AC और नॉन AC रूम्स। और अगर बजने वाली है घर में शहनाई तो उज्जैन का बेस्ट मैरिज गार्डन है यहाँ विथ ट्रेन स्टाफ। रखेंगे हम आपके अपनों का ख्याल, तो बनाएं अपने हर लम्हे को यादगार। राजस्थानी, गुजराती, मराठी हो या पंजाबी, सभी ट्रेडिशन की दिखेगी झलक आपके अपने होटल राजसागर रिजॉर्ट में। हमारा पता इंदौर रोड उज्जैन। संपर्क करें 9826071290 या फिर 8109009505। उज्जैन जिले में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घर में किशोरी को अकेला पाकर गांव के युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। ग्राम लसूड़िया में रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी के परिजन खरीदी करने नागदा गए थे। इसी दौरान गांव में रहने वाला जीवन पिता दुला बगारी किशोरी के घर पहुंचा और जान से मारने की धमकी देकर उससे दुष्कर्म किया। ग्रामीणों ने किशोरी के परिजनों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर दुष्कर्म सहित पॉस्को एक्ट में केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया है। मंगलवार को श्री गुजराती माली समाज ने फूल पाती चल समारोह का आयोजन किया। समाज की बालिकाएं दुल्हा दुल्हन की वेशभूषा और महिला कलश लेकर चल समारोह में शामिल हुई। दरअसल मालीपुरा स्थित श्री रामे गुजराती माली समाज की धर्मशाला से फूल पाती चल समारोह की शुरुआत हुई। चल समारोह विभिन्न मार्गों से होकर देवास गेट स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर पहुंची।
जहां भगवान को जल चढ़ाकर चल समारोह पुनः समाज की धर्मशाला पहुंचकर समाप्त हुआ। यात्रा में बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं शामिल हुई। ये हमारी माली समाज की फुलपाती है और हर साल ही महिलाओं फुलपाती निकालती है माली समाज की। माली समाज का उत्सव है ये और ये हर सचिवी सतमी पे मालीपुरे से निकाली जाती है धर्म। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी सावे रोड उज्जैन। तो ये था भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।